गाइज आज मेरे साथ जो ब्लॉग में बनता है ना भाई, ये सच में जादूगर है। आपको इसकी जादूगरी का नमूना भी दिखाएंगे अभी। हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। अभी मैं रिठाड़ा मेट्रो स्टेशन पे उतर चुका हूँ और फोटोज खींचने का शौक हर बंदे को होता है, तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जो कि सिर्फ फोटोशूट के लिए बनी हुई है। तो पहले मास्क लगा लेते हैं, और क्योंकि दिल्ली में चलान बहुत कट रहे हैं बिना मास्क के, तो पहले मास्क बहुत जरूरी है यार। तो गाइज मेट्रो स्टेशन से ना 1 किलोमीटर है सिर्फ, क्लिक आर्ट म्यूजियम, इसका नाम है क्लिक आर्ट म्यूजियम। ये है प्रदीप भाई, मेरे साथ आज प्रदीप भाई आया, और सच बताऊं बहुत मस्त बंदा है यार। अभी आपको बताएंगे कि भाई किस चीज में माहिर है। तो चलिए फिर भाई के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे और कुछ करके भी दिखवाएंगे भाई से। तो चलिए अभी वहीं मिलते हैं, क्लिक आर्ट म्यूजियम पे मिलते हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लेकिन आपको एक बात बताऊं, हमारे साथ पोपट हो गया है। कोविड की वजह से ना कुछ चीजों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, और ये बंद पड़ा है पीछे, यही था वो, लेकिन ये बंद पड़ा है यार। ऊपर से देखो ये सारा, इस साइड ये सारा मॉल वॉल बना रखे हैं इसके अंदर, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोविड की वजह से बंद पड़ा है। रेस्टोरेंट वगैरह सारे जितने भी है ना वहाँ यहाँ पे, वो सभी के सभी बंद पड़े हैं। तो पोपट हो गया आज। और यहाँ पे ना डेकैथलॉन भी है, मैं काफी दिन से सोच रहा था डेकैथलॉन में जाने के लिए। मुझे तंबू लेना है, वो कैंपेनिंग करने के लिए जो होता है ना टेंट सा, वो उसका प्राइस पता करके आना है मुझे। तो यहाँ पे है वो, देखो इसके अंदर लेक भी बना रखी है एक, जो कि किश्तियां विश्तियां रखी हुई हैं इसके अंदर। और ये भी बंद पड़ा है यार, ये देखो यहाँ पे कोविड गाइडलाइन लिखी हुई है, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ आने का आज। और वो देखो ब्रिज के ऊपर ही आईफिल टावर बना दिया इन्होंने, इस साइड वो एरोप्लेन रहा। सच बताऊं देखने के लिए और एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे। देखो इस साइड मस्ती जोन बना रखा है, ये डीजे वीजे चलता होगा यहाँ पे, और यहाँ कोई भी नाच सकता है। लेकिन सब कुछ बंद पड़ा है यार, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता ही है दिल्ली में कितने हालत खराब हो रखे हैं ना, तो इसलिए सब कुछ बंद पड़ा है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी फिर क्या हमें ओपन मिलता है, नहीं हम डेकैथलॉन में चलते हैं। तो अभी डेकैथलॉन में आ गए हैं, और तंबू का यार रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है 2000 का, ये 3000 का है, और 19000 का भी है। तो मैंने तो ना बस ये सोचा था कि 1000-1200 तक का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। तो चलिए फिर, भाई ने थोड़ा सा सामान लिया है, शूज वगैरह बैग वगैरह लिए हैं, अभी हम बाहर जा रहे हैं दोबारा से, क्योंकि तंबू मेरे बजट से बाहर है अभी। तो अभी आपको दिखाते हैं, प्रदीप के बारे में बताता हूँ मैं पहले। भाई का नाम प्रदीप है, और इसको ना चाइनीज बोलनी आती है, और हम कुछ सुनेंगे भाई से आज। तो भाई से पूछते हैं, भाई जैसे चाइनीज में हम इंडिया में जैसे नमस्ते वगैरह करते हैं, चाइनीज में क्या बोलते हैं? नी हाओ। नी हाओ। नी हाओ। नी हाओ। नी हाओ। तो चाइनीज में नमस्ते करते हैं तो नी हाओ बोलते हैं। तो अभी प्रदीप भाई हमें कुछ बोल के दिखाएंगे, बोलिए भाई। नी हाओ वॉशो वेपिंग वो लाइज इन टू शियन जाय वो चूजा शियन दली तांशो चिन थेन वो लाइज कन सुहामी छी लाइज इसका चैंपियन वा चैंपियन वन हाई शो फाइट सर्फिंग तांशो चिन थेन तांशो कौन कौन ला सोई। इसका मतलब क्या था भाई? मैंने कहा कि हेलो गाइस, मेरा नाम प्रदीप है और मैं इंडियन हूँ जैसा कि आप जानते ही हैं, बट बिफोर पहले मैं बहुत सी कंट्रीज में होके आ चुका हूँ, और बेसिकली मैं एक चाइनीज ट्रांसलेटर नहीं बट मुझे चाइनीज आती है। तो आज मैं शुभम के साथ आया हूँ यहाँ पे ब्लॉग बनाने, जैसा कि इसने बोला था, बट आज कहते हैं किसी कारणवश कहते हैं यहाँ पे ये एडवेंचर गैलरी बंद है, और बस इतना ही बोला था मैंने। तो भाई है ना ये बंदा जादूगर है सच में, और भाई को चाइनीज आती है बोलनी, और काफी सारी कंट्रीज में घूम चुका है भाई, दुबई जा चुका है, चाइना जा चुका है, न्यूजीलैंड जा चुका है, इंग्लैंड जा चुका है, और अभी कौन सी कंट्री में जाने का प्लान है भाई? कंबोडिया। कंबोडिया में जाने का प्लान है अभी भाई का। तो भाई भाई पहले हमारे साथ रूम पे ही रहता था जब मैं दिल्ली में आया था, तो आज हमारे कल रूम पे ही आया हुआ था, तो मैंने सोचा भाई के साथ भी ब्लॉग बना लिया जाए। और ये है भाई हमारे जादूगर जी, जो कि चाइनीज बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, और एक दो भाषा और आती है इनको, तो हम ज्यादा बोर नहीं करेंगे, रशियन भाषा भी आती है भाई को। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग बस यही था,
आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड गाइस।